everyone, how you all are doing? Hope you all are doing fine and you all will be safe. So guys, welcome to my YouTube channel or welcome back to my YouTube channel Inspire with Anushka. In this videos, we are going to discuss about WBC, it means leukocytes, and platelets, it means thrombocytes. So पिछले previous video में हमने discuss किया blood के character के बारे में, blood का composition क्या होता है. It means blood दो तरह के चीजों से बना हुआ है. एक है उसमें भरा हुआ liquid जिसे हम plasma कहते हैं, और दूसरे sides में होते हैं जो भी structural solid structure होते हैं. It means plasma liquid structure था, और जितने भी RBC, WBCs और platelets हैं इनको हम लोग solid structure में रखते हैं. तो एक तरह हमने liquid वाला plasma पढ़ा, और दूसरा part जो होता है blood composition यानी blood जिस चीज से बना हुआ होता है वो है RBC, WBC और platelets, जिसको कि combinedly हम क्या बोलते हैं, blood corpuscles बोलते हैं. ओके, सो बिफोर गोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट, हमने आपको ये सब चीज बता दी है कि ब्लड का कंपोजिशन क्या है. प्रीवियस वीडियो से भी आपको अवेयर करवा दिया. अगर आप डीपली जानना चाहते हैं ब्लड के कैरेक्टर के बारे में, आरबीसी के पूरे कैरेक्टर के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट एसेट है अगर कोई भी आदमी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो जिसमें साइंस एक वैलिड विजन कवर करता है. ओके, सो आप जाके वहाँ से हेल्प ले सकते हो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो. ओके गाइज, सो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट WBC, इट मीन्स ल्यूकोसाइट्स. WBC को ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आज मैं बता दूँ. और सेकेंडली, इसके सिंगल सिंगल कैरेक्टर्स के बारे में हम एक एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम्स के लिए. सो सबसे पहला पॉइंट, इसका बॉडी शेप कैसा होता है, यानी कि जो सेल्स होते हैं WBC, वाइट ब्लड सेल्स, जिनका कि नाम है, जिनका नाम ल्यूकोसाइट्स भी है. तो ये सेल्स होते कैसे हैं, तो इन सेल्स के बारे में देखें. जैसे अमीबा का स्ट्रक्चर होता है, कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है ब्लड सेल्स का, वैसे ही वाइट ब्लड सेल्स का भी फिक्स्ड कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता है. व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में एक और खासियत बात बता दूं कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जहाँ कि हम लोगों ने आरबीसी में देखा था कि आरबीसी के ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया का एब्सेंस होता है. मोस्टली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे हमेशा इससे गलती करते हैं. तो प्लेटलेट्स और आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया एक साथ जहाँ एब्सेंस हो वो सेल कौन सा होता है, वो रेड ब्लड सेल्स होते हैं. ठीक है, और व्हाइट ब्लड सेल्स में सभी लोग प्रेजेंट होते हैं, इट मीन्स न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. सेल्स का जो फॉर्मेशन है वो होता है हमेशा बोन मैरो में, लीवर में या फिर स्प्लीन में. लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल था. लाइफ टाइम जो है डब्ल्यूबीसी का, यानी इनका जीवन काल जो होता है वो 2 से 4 दिन का ही होता है, क्योंकि इनमें हमेशा ये हमेशा जर्म से फाइट करते हैं. इनका लाइफ टाइम छोटा इसलिए होता है क्योंकि इन्हें हमेशा फाइट करनी होती है बॉडी में जो भी इन्वेडर्स आते हैं, इट मीन्स जो भी फॉरेन बैक्टीरिया या फिर वायरस जो भी इन्हें दिखेंगे वो इन्हें इनगल्फ कर जाते हैं. तो न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वाइट ब्लड सेल्स में, वो एक ऐसे सेल्स हैं जो कि हमेशा फॉरेन सेल्स यानी फॉरेन इन्वेडर्स को ईट करते हैं, इट मीन्स इनगल्फ कर जाते हैं, पूरा खा जाते हैं. तो इसी तरह से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, और इसलिए WBC को रिस्पॉन्सिबल कहा जाता है हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रेंथ देने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो भी फॉरेनर थिंग्स है उन्हें इनगल्फ करके ख़त्म करना, और जो कि मे बी प्रोलॉन्ग अगर रह जाए तो डिजीज कॉज कर सकते हैं, हमारे बॉडी को हार्म कर सकते हैं. तो इन सारे प्रॉब्लम से हमारा प्रोटेक्शन जो करता है, डिफेंस का जो काम करता है, वो WBC करता है. तो अगर आपसे बोला जाए कौन सा ब्लड पार्ट या फिर आपकी बॉडी का कौन सा सेल है जो कि डिफेंसिंग सेल है, तो आप इसमें WBC का नाम डाल सकते हो. तो ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स का 60-70% जो पार्ट है वो न्यूट्रोफिल्स का बना हुआ होता है, जो कि हेल्पफुल है बैक्टीरिया और वायरसेस को इनगल्फ करने में, ताकि बॉडी को एक डिफेंस मैकेनिज्म दिया जा सके और उन्हें डिफेंड किया जा सकते हैं. और इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का जो हाँ तक मैंने बोला, तो ये एंटीबॉडीज़ को बनाने में हेल्पफुल है, एंटीबॉडी के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. और यही वजह है कि एंटीबॉडी जो होते हैं वो जो भी इन्वेडर हैं बॉडी में आ रहे हैं उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रेंथ करते हैं, इसलिए इन्हें इम्यूनिटी के फेवर में वर्क करने वाला सेल बोल सकते हैं हम लोग. सो गाइस, तो ये था हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स. ब्लड में जो 3 कंपोनेंट थे आरबीसी और WBC,
दो का हम जिक्र कर चुके हैं और ये थर्ड कंपोनेंट्स जो थ्रोम्बोसाइट्स है, इट मींस जो ब्लड प्लेटलेट्स है, उनके बारे में हम आज के वीडियो में अभी जस्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो ब्लड प्लेटलेट जो होते हैं वो सिर्फ मैमेलियन ब्लड्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी जो मैमल का ब्लड होगा, जो भी स्तनधारी जीव है, जो मैमल्स हैं, जो मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं, उन्हीं में सिर्फ प्लेटलेट्स पाया जाता है। ये फ्रेगमेंटेड सेल्स होते हैं, यानी टुकड़ों में बटे हुए होते हैं, इसलिए इनका कोई भी आज तक वैलिड शेप पता नहीं चला है और इनकी वैलिड शेप होती भी नहीं है। इनमें भी न्यूक्लियस एब्सेंस होता है, लाइकवाइज इसकी तरह आरबीसी की तरह न्यूक्लियस एब्सेंट होता है प्लेटलेट्स में। इनका लाइफ टाइम भी 3 to 5 days का है। फॉर्मेशन इनका ही बोन मैरो में होता है और इनका नेट सेंटर स्प्लिंग है। और ये जो प्लेटलेट्स हैं इनका काम एक ही है, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करना, यानी ब्लड क्लॉटिंग का जो पर्पस है वो प्लेटलेट्स की वजह से ही कंप्लीट होता है। और प्लेटलेट्स का नंबर जो है वो घट जाता है कौन सी बीमारी में, हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ प्लेटलेट्स कौन सी बीमारी में घटते हैं, तो जब आपको डेंगू होगा, व्हेनेवर यू आर सफरिंग फ्रॉम द डेंगू, देन द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स विल ऑलवेज रिड्यूस इन योर बॉडी। सो गाइज, विद ऑल दिस थिंग्स वी केम टू द एंड, एंड ये था सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, एसेंस था वीडियो का, अगर मैं बोल दूँ ब्लड को लेके, रवीशी का यानी ल्यूकोसाइट्स का और थ्रोम्बोसाइट्स का। इफ यू लाइक दिस सेशन देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।